अध्याय एक कोलन कोशिश मत कीजिए। चार्ल्स बुकोवस्की एक शराबी था, एक बहुत बड़ा जुआरी और जिंदगी से हारा हुआ ऐसा इंसान जिसकी सलाह शायद ही कभी कोई लेना चाहेगा। इसलिए तो हम अपनी शुरुआत ऐसे इंसान की कहानी से कर रहे हैं। बुकोवस्की शुरू से ही एक लेखक बनना चाहता था, मगर उसके काम को सभी न्यूज़पेपर और मैगजीन ने घटिया दर्जे का बताकर उसका मखौल उड़ाया। इस बात से दुखी होकर बुकोवस्की गहरे डिप्रेशन में चला गया और उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा शराबी बन बैठा। अपनी जिंदगी के करीब 30 साल शराब और जुए में बर्बाद करने के बाद बुकोवस्की को एक दिन एक मौका मिला। एक छोटे पब्लिशिंग हाउस ने उसके काम में दिलचस्पी ली। बुकोवस्की को बड़ी मुश्किल से एक मौका हाथ लगा था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। उसने झट से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और तब उसने अपनी पहली किताब लिखी। फिर इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उसने 6 किताबें और लिखी। इसके साथ ही उसने कई सारी कविताएं भी लिखी और उसकी किताबों की 2 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अमेरिकन ड्रीम में कहा जाता है कि हमेशा कोशिश करते रहो, कभी हार मत मानो। लेकिन बुकोवस्की की कब्र के पत्थर पर लिखा था कोशिश मत कीजिए। बुकोवस्की के काम की खास बात ये नहीं थी कि हारने के बावजूद उसने कोशिश जारी रखी, बल्कि ये है कि उसने खुद को बुरे से बुरे हाल में स्वीकार किया। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जब कामयाबी उसके हाथ लगी, न ही वो पहले से अच्छा और सुधरा हुआ इंसान बन गया और न ही उसके सक्सेसफुल बनने में उसकी अच्छाई का कोई हाथ था। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां हालात बद से बदतर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इतना गुस्सा कि आप खुद पे काबू नहीं रख पाते हैं और आप इसे काबू नहीं रख पाते ये सोचकर आपका गुस्सा और बढ़ता है। वाह, जरा सोचिए कितने मजे की बात है कि आपको इस बात पर गुस्सा आता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है। आप इस गुस्से से बचने का कोई रास्ता निकालना चाहते हैं पर निकाल नहीं पा रहे। तब आप खुद से और अपने इस गुस्से की समस्या से नफरत करने लगते हैं। जब आप कभी अपने अकेलेपन को लेकर उदास होते हो तो आपके मन में उदासी से भरे ख्याल मंडराने लगते हैं। आप अपनी उदास जिंदगी और अकेलेपन के बारे में घंटों सोचते रहते हैं और सोच सोच कर और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, इसी को कहते हैं जहन्नुम का फीडबैक लूप। जरा याद कीजिए कि आपके दादाजी के वक्त में क्या होता था। उस वक्त में जब कोई किसी को अपने से बेहतर देखता तो बेशक कुछ पल उदास होता, मगर फिर अपने काम में लग जाता था ये सोचकर कि यही जिंदगी है। लेकिन अब अगर 5 सेकंड के लिए भी दुखी होते हैं तो आपको सबकी जिंदगी अपने से बेहतर लगने लगती है। आप खुद पे इतने शर्मिंदा हो जाते हो जैसे कि सब कुछ हार बैठे हो, और फिर अपनी इस शर्मिंदगी से आपको खुद पे और भी शर्म आने लगती है। शर्मिंदगी के इस गोल चक्कर में आप फंस से रह जाते हो। इसलिए तो जरूरत है कि इन बातों को लेकर जरा भी परेशान ना हुआ जाए। अगर आप उदास है तो कोई शर्म की बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। शर्मिंदगी के इस चक्कर यानी लूप से बाहर निकालिए और जो चीजें आपको परेशान कर रही है उनसे कहिए बाहर में जाओ। डोंट गिव ए फक अबाउट इट। आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो यही सोचना सबसे बड़ी बुरी बात है। और अगर फिलोसफर एलन वाट्स की माने तो अपने साथ हुए नेगेटिव अनुभवों को स्वीकार करना ही असल में खुद एक बड़ा पॉजिटिव अनुभव है। ये बात सुनने में अजीब लगती है मगर यही सच है। जितना ज्यादा आप खुशियों के पीछे भागेंगे उतने ही ज्यादा दुखी रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसी कोशिश भी न करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बात के लिए केयरलेस होते हैं तो वही चीज आपको आसानी से मिल जाती है, बजाय कि जब आप उसके पीछे भागते हैं। जैसे जब आप जिम जाते हैं तब वर्कआउट करने में आपको काफी दर्द सहना पड़ता है, लेकिन इस दर्द का इनाम आपको मिलता है स्ट्रोंग मसल के रूप में। थोड़े से पेन के बदले में आपको एक खूबसूरत बॉडी मिलती है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। इसी तरह जब आप अपने किसी काम में नाकामयाब होते हैं तो यही हार आपके लिए किसी फ्यूल की तरह काम करती है और आप अपनी कोशिश में डूबने जोश के साथ फिर से जुट जाते हैं। दर्द को रोकने की कोशिश करना ही आपको बाद में और भी ज्यादा दर्द का एहसास कराता है। दर्द या हार जो भी आपको मिले उसे रोकिए मत, बस उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। फिर देखिए, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। परवाह न करने का मतलब ये नहीं कि आप बिना कुछ किए शांति से बैठे रहे या एकदम किसी पत्थर की तरह बेअसर हो जाए, क्योंकि सिर्फ मुर्दों को कुछ महसूस नहीं होता, जिंदा आदमी तो सब कुछ फील कर सकता है। और हम आपसे ऐसा करने को नहीं कह रहे,
हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि परवाह न करने का मतलब है कैसे भी हालात आए, बस आराम से बैठिए, फिर चाहे आपकी सोच औरों से अलग ही क्यों ना हो, आप अलग सोचिए, अलग बनिए, यही बेहतर है बजाय कि आप चिकना घरा बने। चिकना घरा तो समझते होंगे ना आप, जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता, ऐसे लोग बुजदिल और मूर्ख होते हैं। आपको चिकना घरा नहीं बनना है, बस बेपरवाह बनना है, जिससे आप फालतू की टेंशन से बचे रहे। लेकिन कभी कभी आपको चीजों की परवाह भी करनी पड़ती है, तो तब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है जिसकी आपको सच में परवाह करनी चाहिए। हमारे लेखक की माँ के साथ ऐसी ही एक घटना घटी थी। दरअसल एक बार उनकी एक सहेली ने उन्हें काफी बड़ी रकम का चूना लगा दिया था। अब अगर लेखक बिल्कुल ही बेपरवाह होता तो जो उसकी माँ के साथ हुआ उसकी जरा भी परवाह नहीं करता, मगर लेखक ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया कि वे वकील की मदद लेंगे और उस इंसान को सबक सिखा कर ही रहेंगे। हाँ, उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे उस इंसान की परवाह नहीं थी। ही डोंट गिव ए एफ सी के अबाउट हिम।